चांदनी चौक के घंटाघर पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखने लायक नजारा था, कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा हो चुके थे। पूर्ण स्वराज लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे साथियों, लाहौर अधिवेशन में यह रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हर भारतीय जो पूर्ण स्वराज चाहता है यह शपथ ले। भारतवर्ष पूर्ण स्वतंत्रता के लिए निश्चय कर चुका है, हम में से कोई भी ब्रिटिश हुकूमत का साथ न दे, सभी सविनय अवज्ञा की तैयारी में जुट जाए, इसमें टैक्स न देना भी शामिल है। मैं शपथ पत्र पढ़ता हूँ और आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए, पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए समय समय पर कांग्रेस के जो आदेश होंगे उनका हम गंभीरता पूर्वक पालन करेंगे। मुझ पर मुकदमा चला। अच्छा, जब मेरी पेशी होती थी तो मेरी माँ आती और मुझे बंद देखकर पुलिस वालों पर रोती चिल्लाती। मेरी माँ बेचारी बद्दुआएं दिए बिना मानती नहीं थी, शायद उनकी बद्दुआ से डर कर ही अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। मैजिस्ट्रेट ने मुझे सजा सुनाई और मुझे मुल्तान जेल भेज दिया गया। वहां पर छोटी छोटी कोठरियां होती थी जिनमें सीमेंट की खाटे पड़ी रहती थी। हमें रोजाना 18 शेर गेहूं पीसना पड़ता और अगर मैं पीसने से मना कर देता तो 20 शेर और पीसना पड़ता। ए, पीसता क्यों नहीं है? मैं नहीं पीसूंगा। अरे कैसे नहीं पीसेगा, पीस। आ, 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 तुम ये क्या कर रहे हो? इन अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, अपने ही भाइयों के विरुद्ध जा रहे हो। जब जेलर आता तो हमें कायदे से उसे खड़े होकर सैल्यूट करना पड़ता था। मैं सैल्यूट करने से मना कर देता तो वो लोग जबरदस्ती मेरे हाथ पांव खींचकर मुझसे सैल्यूट करवाते थे। अरे सैल्यूट भी नहीं करता? मैं नहीं करूंगा। इसको उठा के सैल्यूट करो। सैल्यूट करो, सैल्यूट करो। देख, जहां पे नियम कानून मारेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो टिट्टी से बात कर मारा जाएगा। मैं यहां तुम्हारे कायदे कानून मानने नहीं आया हूं, मैं अपनी देश की आजादी के लिए आया हूं। मुझको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, तुमको जो करना है तुम कर लो। इसको टिट्टी से बात दो। इंकलाब जिंदाबाद। क्या फ्रीडम फाइटर्स के साथ इतनी क्रूरता? हाँ देखो, उस डंडा बेड़ी के निशान मेरे हाथों और पैरों पर अभी तक हैं। खैर, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और मैं जेल से रिहा हो गया। 1932 में यहाँ दिल्ली आकर मैंने दीवान चंद की नौकरी छोड़ दी और कन्हैया लाल पुंज के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लिया। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, 1927 में तो मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम था दयावती। क्या आप दयावती को पहले से जानते थे? अरे कहाँ, चेहरा भी तो मैंने शादी के एक हफ्ते बाद देखा था। उन दिनों सभी के साथ ऐसा होता था। पर आप तो काफी बिजी रहे होंगे, आपकी पत्नी को आपसे कोई शिकायत नहीं थी? अरे क्यों नहीं थी,
होती थी, लेकिन मेरी पत्नी बहुत होशियार थी। एक दिन जब मैं शाम को काम से घर वापस लौटा तो देखा कि दया घर से गायब है। शाम को फोन आया तो पता चला कि वो तो कांग्रेस के साथ आंदोलन करते हुए लाहौर जेल पहुंच चुकी है, मुझसे भी एक कदम आगे है। मैं अनिल को लेकर अगले दिन लाहौर पहुंचा और पहले अपने ससुराल गया। पीजी पीजी, वो दिल्ली वाले जिया जी आए हैं। तेरी पहना बीजी। जिंदा रहे पुत्र। दयावती कितने है? वो नहीं आई? दयावती तो पहले से ही लाहौर में है, वो तो सरकारी गड्डी में आई थी। ए की मजाक है पुत्र। मजाक नहीं बीजी, वो कांग्रेस का आंदोलन करते समय पकड़ी गई, यही लाहौर जेल में है। हाय रब्बा, इन्ने बड़े खानदान की कुड़ी जेल में, छोटे छोटे बच्चा की मां जेल में। बीजी ये देखो, मेरी 6 महीने की बेटी भी तो उसके साथ जेल में रह रही है। अनिल को तो मैं अपने साथ दिल्ली ले ही जाऊंगा। कितने दिन रहना पड़ेगा उसे जेल में? करीबन 6 महीने, पर आप फिक्र ना करें, मैं बीच बीच में आता ही रहूंगा ना। दया ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं सोचता था कि मैं ही बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, उसने तो मुझे भी एक कदम पीछे छोड़ दिया। चलिए आइए, आपको आपकी बहादुर बेटी से मिलवाना हूँ। तब तो आप पर बहुत काम टूट पड़े होंगे। बिजनेस, असफली का चुनाव, कांग्रेस का काम, बेटी की जिम्मेदारी, ये सारे काम मुझे घेर कर बैठ गए। तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? बस मेहनत मेहनत और मेहनत, मैं सारे दिन काम में ही लगा रहा। वैसे भी 6 महीने बाद तो दयावती रिहा हो ही गई थी। उसकी बहादुरी से महिला जगत में नई चेतना जागृत हुई। दयावती बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे दयावती बहन, तुम तो बहुत बहादुर निकली, अपने पति को भी पीछे छोड़ दिया। बहन तुमने तो बहुत महान काम किया है। हम औरतों को आप पर गर्व है। आजादी की लड़ाई में हमें इसी तरह मिलकर लड़ना होगा। वैसे दयावती बहन जेल में कैसा रहा? अरे खूब मौज थी। मौज? कैसी मौज? हम गाना गाते थे, काम भी खूब करते थे, और हमने तो जेल में भी अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो बहुत मजा आता। चिंता किस बात की है, अगली बार साथ साथ चलेंगे। मेरा बिजनेस लगातार बढ़ता गया, मैं खाली हाथ दिल्ली आया था और अब तक एक उद्योगपति बन चुका था। इन्हीं दिनों मैंने भारत भ्रमण की सोची। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोफेसर साहब के साथ भारत दर्शन के लिए ना जाओ। प्रोफेसर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और आप यही कहना चाह रही है ना कि हम गवार हैं? अब मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? सुना इंद्रसेन जी आपने? मैंने उस दिन इनसे कहा कि आप मुझे मेरी कमीज पकड़ा दीजिए, इन्होंने तो मुझे गवार की डिग्री ही पकड़ा दी। हद हो गई, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? प्रोफेसर साहब, इनकी हर कमीज के बटन टूटे रहते हैं, कोई बाँह से उजड़ी हुई, कोई कहाँ से। अब बटन टाकने में समय तो लगता है ना। जब हम कह रहे थे हमें जल्दी हो रही है तो आपने ऐसे ही क्यों नहीं दे दी? आप जल्दी में कब नहीं होते, हर बात में तो हड़बड़ी लगी रहती है। हाँ भाई, सलीका तो सिर्फ लाहौर वालों को ही आता है ना। छोड़ो सुरेंद्र, तुम भाभी जी से नहीं जीत सकते। वैसे भाभी जी, आपने मुझे क्यों बुलवाया? दरअसल ये भारत भ्रमण पर जा रहे हैं और मैं कह रही थी कि अनिल को भी साथ ले जाएं। फिर वही बात, मैं भारत भ्रमण पर जाऊंगा या तुम्हारे बेटे को साथ संभालता फिरूंगा? मैं साथ में रामकृष्ण को भेज रही हूँ ना, वो साथ जाएगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, और मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। हाँ हाँ, अब फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और खाना भी पका लिया करूंगा। वाह भाभी जी, आपने तो सारे इंतजाम कर लिए। हमें क्या पता आप इतनी दूर की सोचती है। दूर की तो सोचनी पड़ती है, वैसे भी भारत सरकार की नई स्कीम है, जब चाहे चढ़ जाओ, जहां चाहे उतर जाओ। तो फिर ठीक है, चलते हैं भारत भ्रमण पर। इस तरह हम चारों निकल पड़े भारत भ्रमण पर। हमने भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न मंदिर देखे
कई प्रकार के नृत्य देखे, हमें नई नई चीजें देखने और जानने को मिली। दक्षिण भारत पहुंचकर वहां के कई मंदिर देखे, जैसे कि कपिलेश्वर मंदिर, रामेश्वरम, विवेकानंद रॉक और पता नहीं क्या क्या देखा। इंद्रसेन जी, एक बात देखी है आपने कि दक्षिण भारत भी बहुत सुंदर है? बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र, हमने इतनी सारी चीजें देखी, अलग अलग तरह की भाषाएं, पोशाकें, रीति रिवाज, सब कुछ अलग है, पर आजादी की तड़प एक ही है। हाँ सुरेंद्र। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी हमने महाबलीपुरम भी देख लिया है, 2 दिन का समय और बचा है, यहाँ पे आसपास देखने योग्य स्थान है कोई और क्या? गाड़ी वाले, यहाँ पर कहीं पास में कोई देखने वाली जगह है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक आश्रम है जहाँ पर एक क्रांतिकारी रहते हैं, मगर अब वह एक योगी बन गए हैं। उनका नाम क्या है? श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष, मैंने उनके लेख पढ़े हैं शायद। मिलते हैं, चलो उनसे भी मिलाते हैं। इस तरह हम चारों पांडिचेरी तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर समझ ही नहीं आया कि भाई आश्रम कहाँ है। खैर आश्रम तो मिल गया, वहां जाकर देखा तो लगा ये कैसा आश्रम है, न कोई मूर्ति, न पूजा, न कीर्तन, न प्रवचन, न कोई तिलकधारी, न साधु, न सन्यासी, सारा मामला रहस्यमय ऐसा लगता है। लोग सादे कपड़ों में हैं, फिर भी हैं संतुष्ट और प्रसन्न, चारों तरफ अजीब ही शांति है। क्या हम श्री अरविंद से मिल सकते हैं? जी नहीं, वह किसी से नहीं मिलते। तो यहाँ के कामकाज कौन संभालता है? श्री माँ। श्री माँ, वो कौन है? जी वो एक फ्रांसीसी महिला है। क्या, एक फ्रांसीसी महिला इधर के कामकाज संभालती है? जी। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्यों नहीं, शाम को 7 बजे मेडिटेशन हॉल में आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। इस बात से मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई। हम शाम को करीब 7 बजे मेडिटेशन के लिए पहुंच गए। मेडिटेशन हॉल में सभी शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मैं भी आंखें मूंद कर बैठ गया, पर बीच बीच में आंखें खोलकर देखता रहता कि श्रीमा आई या नहीं, आई या नहीं। ठीक 7 बजे श्रीमा सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। My gaze was fixed on that fairy-like figure whose calm and beautiful face was radiating light, making the whole atmosphere so supernatural. That night, as I lay asleep, I underwent strange but sweet experiences. That majestic personification of grace and beauty, of love and life, appeared on the screen of my mind. This was then the supreme discovery of my life. I lost my heart and won the soul and the real life. मैं भारी मन से दिल्ली लौट तो आया, पर वापस जाने के लिए मुझे समझ आ गया था कि मेरे जीवन का खेल निश्चित हो चुका है। तब तो आप सारा दिन मेडिटेशन करते होंगे। अरे पूजा करना मेरे लिए कोई काम नहीं था, बल्कि मेरे लिए तो हर काम ही एक पूजा बन गया। मतलब जब 1942 में
गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मैं उसमें पूरी ताकत से जुट गया। उस समय कांग्रेस के करीब सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ मैं और कुछ साथी रह गए। उन दिनों मैं अच्चीनी गांव में अपना घर बनवा रहा था। वहां आसपास सब और खेत और झाड़ियां थी। एक दफा मैं गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा और जैसे ही गाड़ी से निकला, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? रुकिए, मुझे गाड़ी गैराज में रखने दीजिए। नो आर्ग्यूमेंट्स, शूट हिम। देखिए, आप गोली मत चलाइए। आप गांधीवादी हैं, आप गोली नहीं चला सकते। आप मुझे जानते हैं, आपने फिर भी शूट करने का ऑर्डर दे दिया। जी देखिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब आप ये मिस्टर जैन का रिवॉल्वर वापस कर दीजिए, नहीं तो हमारी सालों की नौकरी पे धब्बा लग जाएगा। अब आप अंग्रेजी सरकार को तो जानते ही हैं। आप इत्मीनान रखिए, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। मैं न कैद होने से डरता हूँ, न आपसे और ना ही आपकी ये हुकूमत से, पर मेरी एक शर्त है। जी कहिए। मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा, अपना सामान लेकर और अपनी कंपनी का काम निपटाकर आपको अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। जी हमें शर्त मंजूर है। ठीक है, आप ये ले लीजिए, मुझको अब इसकी जरूरत भी नहीं है। तो आपने रिवॉल्वर वापस कर दिया? हाँ, मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वहां से मैं अपने घर गया, अपना काम निपटाया। वहां पर देखा तो हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हो चुके थे। मंगत राम और मुझे बुरी तरह से घसीट कर ले जाया गया। थाने में मिस्टर मिलर ने मंगत राम को बुरी तरह से पीटा। हमारा पुलिस अफसर को मारा। लेनिन ने छोड़ो उसे। हमारा कसूर क्या है? यही ना कि हमारा देश गुलाम है? अगर आपका देश गुलाम होता तो आप क्या करते? उसके बाद हमें कोठरी में डाल दिया गया। हमारा खाना और बिस्तर तक नहीं जाने दिया गया। बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी। कुछ ही दिन के बाद मुझे एडीएम मिस्टर डिस्ने की अदालत में पेश किया गया। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर सुरेंद्र नाथ, आप पर कत्ल के 6 इल्जाम लगते हैं। आपने पुलिस वाले का मर्डर करने की भी कोशिश की है। पुलिस वाले की तरफ से मिस्टर गोपाल दास अपना बयान दें। यस सर। सर, जब मैं और मेरे साथी सुरेंद्र नाथ को पकड़ने जा रहे थे तो उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने हम पे लाठी, कोड़े और आरियों से वार किया। और देखिए, ये जो पीठ पे मेरे निशान देख रहे हैं, ये खुद सुरेंद्र नाथ ने ही मारे हैं। दरअसल मुझे बाद में पता चला कि गोपाल दास ने खुद अपने हाथों से अपनी पीठ पर वार किया और उसने उस खून में अपने कपड़ों को भी रंग लिया। अदालत में उन खून में रंगे कपड़ों को उसने बतौर सबूत पेश किया। और देखिए, मेरे पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। मिस्टर सुरेंद्र नाथ, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मिस्टर गोपाल दास जी ने जो कुछ भी कहा सरासर झूठ है। ना ही मैंने और ना ही मेरे कर्मचारियों ने इन पे वार करने की कोशिश करी, बल्कि मैं खुद अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार था। मिस्टर गोपाल दास, आपने जज को रिवॉल्वर का किस्सा बताया क्या? रिवॉल्वर? अरे नहीं, वो कुछ नहीं। दरअसल अदालत में गोपाल दास इतने झूठ बोल चुका था कि अगर मैं सच बोल देता तो सारा केस उल्टा हो जाता। पर झूठा बयान देने के लिए मेरी आत्मा मुझे मंजूरी नहीं दे रही थी। मैं धर्म संकट में फंस गया। मैंने मदद मांगने के लिए श्री अरविंद को विस्तार से पत्र लिखा। सुरेंद्र नाथ मस्ट टेक फुल एडवांटेज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज ऑफ द पुलिस। ट्रूथ इज टेकन एज अ होल एंड नॉट इन बिट्स। आपने हमारी अदालत से
अपना केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दी है। क्यों? क्या आपको हम पर फेथ नहीं है? फेथ? आप देख ही रहे कि आपके पुलिस वाले मुझ पे झूठे इल्जाम लगाकर मुझे लंबी से लंबी सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है मैं अपना बचाव करूं। मैं नहीं चाहता ये केस इस अदालत में लड़ा जाए। आप हम पर विश्वास कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आप पे विश्वास कर लेता हूँ। अपने केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन में विड्रॉ करता हूँ। 2 साल के बाद एडीएम मिस्टर डिस्ने ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया। मिस्टर सुरेंद्रनाथ, आपको बाइज्जत बड़ी किया जाता है। आप पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो झूठे थे। मैं पुलिस को ये हिदायत देता हूँ कि वो शरीफ लोगों को इस तरह तंग ना करें। आपने आजादी के लिए इतनी यातनाएं सही, फिर भी आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं शामिल हुए? दरअसल तब तक देश आजाद हो चुका था और मेरा काम वहीं खत्म हो गया। उसके बाद तो बस श्रीमान थी और उनके काम, वे जैसा चाहती वैसा ही कराती। इसके बाद मैं दिल्ली वापस आ गया। बच्चों की जिम्मेदारी तो माँ ने ले ली। अब मैं कुछ और करना चाहता था। मेहरौली में मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। उस पर क्या बनाया जाए, इस बारे में मेरे मन में बहुत सारे प्लान्स थे। इसी विषय में मार्गदर्शन के लिए मैं श्री माँ के पास गया। Sweet mother, my business is doing very well. I feel that there is something more I have to do. Have you seen the plans that I have been sending to you concerning the land on Mehrauli Road? Mother, won't you guide me on how I should use that land? But why? This place will house Sri Aurobindo Ashram, Delhi branch, and there certainly will be a shrine for which I have been keeping Sri Aurobindo's precious relics. I was in a daze when I heard these momentous words. On the 12th of February 1956, the Delhi branch of Sri Aurobindo Ashram was inaugurated with the mother's message. Let this place be worthy of its name and manifest the true spirit of Sri Aurobindo's teachings and message to the world. The year 1956 was a year of wonders. It was in the same year, on the 23rd of April, that the school of the Delhi branch was inaugurated with the blessings of the mother and her prophetic message. A new light has appeared upon earth. Let this new school open today be guided by it. In 1957, the mother sent the first ever relics of the master to Dr. Indra Sen. They were enshrined in the Delhi ashram on 5th December 1957 in this beautiful marble structure. तो इस तरह हमारा स्कूल 23 अप्रैल 1956 को शुरू हो गया, 3 बच्चों के साथ। 3 बच्चों के साथ स्कूल? आइए मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूँ।
जानती हो, मैं रोजाना हजारों लोगों को श्री अरविंद के मार्ग पर चलाता हूँ। अच्छा, वो कैसे? क्यों, सफदरजंग से मेहरौली तक श्री अरविंद मार्ग नहीं है क्या? नैनीताल में भी श्री अरविंद का स्थान है। वहां पर देश के कोने कोने से युवक और युवतियां आते हैं और साधना शिविर और यूथ कैंप अटेंड करते हैं। चाचा जी, आज आप कुछ नहीं सुनाएंगे? मैं कुछ सुनाऊं? अरे पहले सुर तो लगाओ। लपट है खीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी। कदी ओढ़न नू शाल दुशाले, कदी ओढ़न नू शाल दुशाले, कदी गुदड़ियां लीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी। कदी रहन नू रंग महल है, कदी रहन नू रंग महल है, कदी गलियां हीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खां, चाल चलन अमीरां दी, चाल चलन अमीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी, भाई वाह वाह, भाई वाह वाह, भाई वाह वाह मौज फकीरां दी, 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 भाई वाह वाह मौज फकीरां दी। ऑल सफरिंग इज द साइन दैट द सरेंडर इज नॉट टोटल। If you lean back on the presence of the Supreme Grace, that is the only way out. What should I do? For your work, there is nothing to say. You are doing it perfectly well, exactly as it has to be done. But where do I get such strength? The divine presence is in you. You look for it outside. Look inside. It is in you. The presence is there. The strength is in you. If you go deep enough inside you, you will find it there. Like a flame that is always burning straight up. Thank you.
like a flame that burns in silence, like a perfume that rises straight upward without wavering. My love goes to thee, and like the child who does not reason and has no care, I trust myself to thee, that thy will may be done, that thy light may manifest, thy peace radiate, thy love cover the world.